बीजेपी नेता और पूर्व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट 23 अगस्त को मौत की खबर आई थी। सोनाली की अचानक हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बाद में उनके परिजनों ने सोनाली की हत्या का आरोप उनके साथ काम करने वालों पर लगाया था। आइए जानते हैं सोनाली फोगाट के गोवा में कदम रखने से लेकर आखिरी सांस तक की पूरी कहानी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। Republic TV has spoken to top sources within the forensic department who have now confirmed that Sonali Fogart had 46 injuries on her body. सोनाली फोगाट, उनका पीए सुधीर पाल सांगवान और एक असिस्टेंट सुखविंदर सिंह तीनों नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे थे। इसके बाद तीनों द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में गए थे। शाम 4 बजे इन्होंने ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में चेक इन किया था। सोनाली फोगाट को L17 जबकि सुधीर और सुखविंदर को L23 डिलक्स कॉटेज मिला था। शाम 6 बजे रामा मंडलकर नाम का एक ड्रग पेडलर एक सफेद एक्टिवा बाइक से ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में पहुंचा। रामा ने लियोनी रिसोर्ट के वेटर स्टाफ दत्ता प्रसाद गांवकर को रिसोर्ट के गेट के नजदीक MDMA ड्रग्स के पैकेट थमाए थे। दत्ता ने MDMA ड्रग्स सुधीर और सुखविंदर को 5,000 और 7,000 रुपए में बेचा था। शाम 7:30 बजे सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर ने MD ड्रग्स का पहला नशा लियोनी रिसोर्ट में ही किया था। तीनों ने MD ड्रग्स लिया। इसके बाद सुधीर ने एक खाली बोतल में ड्रग्स को रखा और बचे हुए ड्रग्स को पैंट के पैकेट में रख लिया। बोतल और पैकेट को ड्रग्स को लेकर सुधीर करलिस पहुंच गया। करलिस में रात 12 बजे सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स मिला पानी पिलाया। रात 10 बजे सुखविंदर सबसे पहले करलिस पब गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले टेबल बुक किया था। उसके पीछे टैक्सी में सोनाली और सुधीर भी करलिस पहुंच गए। रात 11 बजे तक तीनों लोग करलिस पब पहुंच गए थे। जिसे टेबल पर सोनाली बैठी थी उसी टेबल के पास दूसरी टेबल पर एक लड़की केक काट कर रही थी जिसमें सोनाली भी तालियां बजाती दिखी है। हालांकि ये लड़कियां कौन थी इसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। रात 12 बजे सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स मिले हुए ड्रंक को पान पिलाना शुरू किया। इस दौरान सोनाली, सुधीर और सुखविंदर डांस फ्लोर पर नाचते हुए भी दिखे। डांस फ्लोर पर नाचते समय सुधीर ने सोनाली को MD ड्रग्स मिला हुआ ड्रिंक पिलाया था। कुछ समय बाद सोनाली डांस करते हुए गिर गई थी। रात 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी और सोनाली ने सुधीर से कहा कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद उल्टी करने के लिए सुधीर सोनाली को लेडीज टॉयलेट लेकर चला गया। उल्टी कर लौटने के बाद सोनाली एक बार फिर डांस फ्लोर पर लौटी। इस दौरान सोनाली कई बार डांस फ्लोर पर गिरी। रात 4:30 बजे सोनाली ने फिर सुधीर को लेडीज टॉयलेट जाने के लिए कहा था। इस दौरान सोनाली बिल्कुल खड़े होने की स्थिति में नहीं थी। सुधीर ने सोनाली को टॉयलेट पहुंचाया और सोनाली लेडीज टॉयलेट में ही सो गई। इस दौरान सुधीर और सुखविंदर टॉयलेट के पास ही खड़े रहे। इस दौरान सुधीर ने बचे हुए ड्रग्स को टॉयलेट के फ्लश में छिपा दिया था जिसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन फ्लश से 2.20 ग्राम ड्रग्स बरामद किया है। इस मामले में करलिस के मालिक एडविन न्यून को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 अगस्त की सुबह 6 बजे सुधीर, सुखविंदर और पब के 2 कर्मचारियों के मदद से सोनाली को ग्रैंड लियोन रिसोर्ट लाया गया। ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुंचने के बाद सोनाली बेहोश हो गई। इसके बाद सोनाली को आनंद फानंद में अंजुना के सेंट एंथनी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पहुंचने पर सोनाली की मौत हो चुकी थी। सेंट एंथनी हॉस्पिटल अंजुना से अंजुना पुलिस के अधिकारी प्रसन्न नायक देसाई को 23 अगस्त की सुबह 9:22 पर फोन आया कि एक सोनाली फोगाट के पहले से मृत शरीर को हॉस्पिटल लाया गया है। इसके बाद सोनाली का पंचनामा कर गोवा मेडिकल को भेजा गया। सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट गोवा की चमक दमक के बीच नशे की शिकार बनी और गोवा में आखिरी सांस ली। सूत्रों के मुताबिक 12,000 के ड्रग्स ने सोनाली फोगाट को मार दिया। ड्रग्स की ओवरडोज भी सोनाली की मौत की वजह हो सकती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।